तो मैं आज आपके लिए हिंदी कक्षा 8वीं का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ फिर से। तो हम इस पूरे मॉडल पेपर का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, देखते हैं इस पेपर को किस प्रकार हल किया जा सकता है। तो अंत तक बने रहना, आपके कम से कम 40 से 42 नंबर कंप्लीट इस पेपर से होंगे, क्योंकि यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, जिनमें से 10 पेपरों का सिलेक्ट किया जाता है, उनमें से एक पेपर ये मान सकते हो। 80 नंबर का पूरा पूर्णांक रहेगा इसका, और घंटे रहेंगे आपके पास 2 घंटे और 30 मिनट। तो इससे पहले प्रश्न से इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखते हैं तंद्रालस शब्द का अर्थ है। तो तंद्रालस शब्द का अर्थ होता है तंद्र किसे के आलस से, जो आदमी कोई भी आदमी होता है वो तंद्र के आलस में होता है, उसको तंद्रालस बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, अलसाया हुआ आ जाएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे अपन, लेखक को बस कैसी लग रही थी। तो उस लेखक को बस कैसी लग रही थी, ये तो सब सही हो सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर टूटी फूटी जर्जर, इसका आंसर जर्जर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो जवाब लिख देते थे। तो पत्र किसको मिलता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बेटी का पत्र मिलता था। अगला, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है। तो सांप की गुफा में अचानक एक बाज आकर गिरता है, जिसके चोट लग जाती है, वो उड़ नहीं पाता है। टोपी पाठ के लेखक कौन है, तो आपको पता ही होगा टोपी पाठ के लेखक संजय है, संजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु जिले का एक तमिलनाडु राज्य का एक जिला है, सबसे गरीब जिला भी है, ये भी याद रखना। किस चीज़ की धूम मची हुई थी, तो वहाँ पर एक प्रशिक्षण चल रहा था जिसमें साइकिल की धूम मची हुई थी, और प्रशिक्षण केंद्र आ गया था वहाँ पर। दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होते हैं जो आगे लगते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। तो अपने को इनका पता कैसे लगाना, जैसे तो दुर्जन है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने को नहीं आते हैं। तो सबसे पहले अपने को पीछे वाले को हटा देना जो एक शब्द बनता है, जैसे जन एक शब्द है, तो इससे आगे क्या आएगा, तो दूर दूर इसका उपसर्ग ही होगा, तभी ये जन बना, दुर्जन हो गया। इस प्रकार करते हैं, इसी में प्रत्यय ऐसे ही होता है जो उल्टा रहता है, प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ा होता है, जैसे मुख तो एक शब्द हो गया। अब इसमें कौन सा प्रत्यय आप ऐसे ही बता दोगे, या प्रत्यय मुख और या मुखिया। अगला प्रश्न, डॉक्टर ये यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न चालू होंगे और आपके चलेंगे 15 नंबर के प्रश्न तक, 2 नंबर के, उसके बाद सीधे 4 नंबर के प्रश्न चलेंगे, और ये भी प्रश्न आपके 22 नंबर तक 4 नंबर के चलेंगे, उसके बाद 8 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे। तो मैं ये प्रश्न वाला सीन थोड़ा हटा रहा हूँ, जिससे आप आराम से इसको पेपर को अच्छे से देख सको। तो ये आ गए आपके नंबर 9 से 15 तक के प्रश्न, जो कि अधिकतम 25 अंकों में करने हैं, 25 शब्दों में करने हैं। डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया, तो डॉक्टर मित्र था, उसने उस बस ड्राइवर और उस बस के बारे में बताया था कि अनुभवी है, वो लिखना है आपने। दीवाने शब्द किन के लिए प्रयुक्त था, तो देश के उन सभी सैनिकों के लिए प्रयुक्त हुआ था। दीवानी शब्द जो अपने देश के लिए जान देने को भी तैयार थे, उनके लिए दीवाने शब्द का प्रयोग किया। सुदामा की दीन दशा के बारे में कृष्ण को किसने बताया, तो जब सुदामा आए थे द्वार पर, तो द्वारपालों ने सुदामा की दीन दशा कृष्ण को जाकर बताई थी। तो ये आपको अगर आपने आज सुन लिया, अगर परीक्षा में आता था, आप आसानी से लिख सकते हो। इस प्रकार आपके 40 से 42 नंबर कंप्लीट होंगे। और आपने अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले आप लाइक कर दो, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आप एक फटाक से एक लाइक कर दो, ताकि मुझे आगे पढ़ा सकूं मैं और मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे। कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया, तो बच्चों ने क्या निर्णय लिया था कामचोर कहानी में, कि अब हम हिलकर भी पानी नहीं पियेंगे, लेकिन ये गलत था। उन्होंने जो निर्णय लिया था, इससे वो और कामचोर बन सकते थे। तो इस पर सही तो ये है कि उन्हें अपना कामचोर का काम त्याग देना चाहिए और अपने काम करने चाहिए स्वयं, ठीक है। और अगर आपको व्हाट्सअप ये इन सब की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पर रोज़ रात्रि 9 बजे आपको सभी पीडीएफ मिल जाती है, सभी विषयों के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके लिए जो सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। एक एक करके सभी वीडियो देख लीजिए, और आपने एक कॉपी देखी नहीं है, अगर हिंदी की आपने एक कॉपी नहीं देखी, तो उसको पहले जाकर देख लेना, क्योंकि हिंदी की कॉपी मैंने बताई एक जिस लड़की के 73 नंबर आए थे 80 में से, तो मैंने कॉपी बताई है, तो उस कॉपी को भी देख लेना। और चैनल की इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी ग्रुप की, वहाँ से ग्रुप में जुड़ जाना। गाँव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई, तो किससे की गई आपको पता होगा ना, गाँव की जो महिलाएं थी उनकी साइकिल की तुलना हवाई जहाज से करी थी। शहर वाले इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन गांव वालों की महिलाओं के लिए साइकिल बहुत महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, धनी का क्या हो जाएगा, धनी मतलब पैसे वाला, तो निर्धन, नया का पुराना, ये तो बहुत सरल आ गया। धरती, धरती का पर्यायवाची बताना, धरती का धरा, भू, वसुंधरा, वसुधा, ये हो गए धरनी के। संसार के विश्व, जगत, जग, संसार, ये दुनिया, ये हो गए संसार के। अगला देखेंगे अपन प्रश्न, ये आ गए आपके यहाँ से 4 नंबर वाले प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 16 से 22 तक आपके 4 नंबर वाले, और एकदम 50 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न से यहाँ पर देखते हैं, इनको एकदम शॉर्टकट तरीके से पढ़ते हैं। दीवानों का अंत तक विकसित करने के लिए कवि किन कौन कौन से प्रयास कर रहा था, तो फूलों को विकसित करने के लिए कवि अनंत तक क्या कर रहा था, उनके हाथ लगा रहा था, उनको स्पर्श कर रहा था, उनको निंद्रा से जगाने का प्रयास कर रहा था, इस प्रकार कर रहा था, आपने पढ़ा होगा पाठ में। दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि दीवानों को डर था, एक तो अंग्रेजी सरकार पर उनको विश्वास नहीं था, और वो एक जगह टिककर इसने नहीं रह सकते थे, क्योंकि उन्हें देश के सभी बॉर्डर पर जाना और उनको देश के लिए लड़ना मर मिटने की इच्छा थी, वो कहीं एक जगह टिककर नहीं रहना चाहते थे। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुआ लिखिए, अथवा मैं आपके पास प्रश्न है दूसरा, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर लिखिए। सबसे पहले तो सुदामा ये बात से चिंतित हो रहे थे कि मुझे कृष्ण भगवान ने कुछ दिया नहीं और अपनी झोपड़ी नहीं मिली, तो वो बहुत ही दुखी हुए, इस प्रकार लिख देना इसके बारे में भी। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ, तो घायल बाज था, वो उड़ नहीं पा रहा था, उसके बाद सांप को पता चला कि ये बाज इतना झटपटा रहा उड़ने के लिए, तो आकाश में क्या है, 2 प्रश्न तैयार। गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई, और गवरैया अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला, इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से लिख लेना, मैं इसका आंसर देने अभी कैसे आंसर दूँ, इतने बड़े बड़े आंसर इनके। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न का प्रयोग करके एक सार्थक वाक्य बनाइए, तो साहस का बना देंगे, हमें साहस से कार्य करना चाहिए, विशाल का, एक विशाल हाथी जा रहा है, निर्मल का, हम फूल निर्मल होते हैं, पुष्प निर्मल होते हैं, उद्यमी बालकों को दंड देना चाहिए, ये बन गए इनके शब्द। अगला ये देखिए, मैं अपने मन से बनाया ये मैंने, जो कि बिल्कुल सही होंगे, रात का बहुवचन, तो रात का रातें, बात का बातें, नदी का नदिया, लड़का का लड़के,
आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप उन्हें रोकने के लिए किस प्रकार प्रयास करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे? तो हम जो वृक्ष काट रहा है उनको सबसे पहले तो वृक्ष काटने से रोकेंगे, उनको समझाएंगे वृक्ष काटने के नुकसान क्या है और इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, वो भी उनको बताएंगे कि आपको मिलेगा ही क्या जो आप वृक्ष काट रहे हो। आपको वृक्ष काटने से आप अपनी सांसों की गिनती कम कर रहे हो, उसके अलावा आप वृक्ष काट रहे हो पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, ये इस प्रकार उनको समझाएंगे। और उनको अगर वो शाम दाम दंड भेद ये नीति भी अपनाएंगे, क्योंकि अगर वो हमारी बातों से नहीं मानेंगे तो हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अगला, सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली चार सावधानियां। सड़क पार करते समय हमें एक तो ये लिख देना, सड़क पार करते समय हमें जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। सड़क पर अगर चलते समय का बोल रहे तो हमें आगे पीछे गाड़ियों का ध्यान रखना चाहिए तथा हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। और सड़क पर चलते समय हमें किसी वाहन के बीच में ना आना चाहिए और कोई हॉर्न बजाता है तो हमें साइड में बैठकर गाड़ी चलाए अपने पैदल चलना चाहिए। इस प्रकार लिख सकते हैं। गद्यांश आ गया, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा था जहाँ वह बीच बीच में पीता रहता था। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतम बदलू के पास बीतता है। वह मुझे लल्ला कहकर कहा करता और मेरे पहुँचते ही मुझे तुरंत एक माचिया मंगा देता था, मतलब मचिया मतलब कि बेड पलंग। और मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़िया बनाते हुए देखता रहता था। लगभग रोज़ वही 4-6 जोड़े चूड़िया बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन को बेलन न होकर किसी नव वधु की कलाई हो। बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था? तो वो क्या बोलते उसको, मच्छा बोल रहे थे, मच्छा क्या था इसको देख लेते हैं, मचिए पर बैठकर। बदलू किस पर के पहुँचते ही मचिया मंगवाता था और क्यों? तो बदलू जो था वो लेखक जिसको वो लल्ला बोलता था उसके पहुँचते ही वो मचिया मंगा देता था, ठीक है। दोपहर के समय प्रायः कौन किसके पास रहता था? तो दोपहर के समय जो लेखक है वह बदलू के पास रहता था। बदलू चूड़िया के जोड़े किस प्रकार देखता था? जिस प्रकार वह इस प्रकार देखता था जैसे कोई नववधु की कलाई हो। अब आता है पद्यांश, जो कि 6 नंबर का प्रश्न है, या 8 नंबर का गद्यांश हो गया। इसके बाद 24वां प्रश्न जो कि 6 नंबर का है, सप्रसंग इस पद्यांश का अपने को व्याख्या करनी है। नहीं यह सब कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह तैयारी में है। इसको अपने को सप्रसंग व्याख्या करनी है। तिनका पाठ का है इसके बारे में लिख देना, कवि का लेखक का नाम लिख देना और इसके बारे में लिख देना, वह चिड़िया चोंच में तिनका दबाई थी। इस प्रकार, अभी नहीं झड़ती हुई पत्तियां थामते बेटा एक हाथ, एक अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतत्व तक। इस पे भी अपने को जो उस पे आना अपने को अच्छा आता है उस पे लिख देना। प्रदूषण के संबंध में छात्रों के मध्य हो रही बातचीत पर अपने शब्दों में विवाद लिखी है, तो प्रदूषण पर अपने को एक टिप्पणी लिखनी है, वही 8 नंबर का प्रश्न है। ये भी प्रदूषण के बारे में अपने को बताना है कि वायु प्रदूषण क्या हो रहा है, जल प्रदूषण किस प्रकार हो रहा है, प्रदूषण से क्या खतरे हैं उनके बारे में बता देना। दो लोगों के बीच बातचीत करवाना, एक राम और एक श्याम बना देना, राम के बारे में बोल देना, राम कोई प्रदूषण के बारे में बोलता है, श्याम उसका जवाब देता है, इस प्रकार बना देना। आसानी से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। और आपने अगर अभी तक एक प्रश्न नहीं देखा है वो आप प्रश्न जल्दी से देख लेना, मैंने इसका वीडियो भी डाल दिया है, आज दोपहर ही डाला था मैंने, उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलना। उसमें मैंने सफाई कर्मचारी हेतु प्रधानाध्यापक को अपन जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो प्रार्थना पत्र लिखने का सही तरीका बताया, उसमें आपके 6 नंबर परफेक्ट हो जाएंगे। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार और अंग्रेजी विषय पाठ्यक्रम पूरा करवाने हैं तो अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, आसानी से लिख सकते हैं ये भी। अब आता है 8 नंबर का अगला प्रश्न, जो कि 150 नंबर पर 150 शब्दों में अपने को लिखना है निबंध। तो 100% मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपको इन्हीं में से कोई सा एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, दीपावली, स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस या कोरोना वायरस, 4 तो ये हो गए। या फिर अपने को अगर इनके बारे में लिखना है, खरगोश कछुआ की कहानी, लोमड़ी अंगूर की कहानी, शेर खरगोश की, मधुमक्खी चिड़िया की, तो याद कर लेना, ये सभी महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में 100% पूछी ही जाएगी। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो कर दो लाइक, और कमेंट नहीं किया है तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और हमारी मेहनत कैसी लगी और आपको आगे कौन सा मेडल पेपर चाहिए वो भी आपने बता देना, और व्हाट्सएप ग्रुप में तो जुड़ ही जाना। धन्यवाद दोस्तों।